जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले आप ये कमेंट देखें। इस कमेंट में भाई ने पूछा है कि मेरे आगे का फाइनल सेट सही नहीं है। मेरे हिसाब से भाई ये पूछना चाहता है कि मेरी उंगली का जो फिंगर है उसका सेप सही नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी ये उंगली है, अगर इस उंगली के अंदर इस तरीके से नाखून है दोस्तों, इस तरीके से, तो आपका नाखून बिल्कुल फिट है। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के चोट आ जाती है, बहुत से लोगों की बीमारी हो जाती है, बहुत से लोगों के बचपन में इस तरीके से नाखून इस तरीके से ना होके चपटा नाखून हो जाता है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका नाखून अच्छे से स्वस्थ है, अगर आपका नाखून ठीक है, अगर उस नाखून ने इस तरीके से आकार बदल रखा है, तब भी दोस्तों आपको आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के अंदर जो मेडिकल होता है, इसके अंदर फिट कर दिया जाएगा, पास कर लिया जाएगा। दोस्तों अगर आपके यहाँ पे ये पूरी की पूरी फिंगर कटी हुई है, आधी फिंगर कटी हुई है, यहाँ से कटी हुई है, तो आपको दोस्तों मैं सीधे सीधे शब्दों में यह कहना चाहूँगा कि आपको मेडिकल के अंदर फेल किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे पुलिस हो, दोस्तों आपकी जो 10 की 10 उंगलियाँ हैं हाथों की और जो 10 की 10 उंगलियाँ हैं पैरों की, ये सभी की सभी उंगलियाँ फिट होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इन उंगलियों में किसी प्रकार के कट का निशान नहीं होना चाहिए। कट के निशान से मतलब है यहाँ पे आपकी कोई चोट आ गई और दोस्तों वो ठीक हो गई, तो दोस्तों वो कट में नहीं आएगी। कट का मतलब ये है कि यहाँ से बिल्कुल उंगली ही नहीं है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपको मेडिकल में बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके यहाँ से नाखून का साइज चेंज हो चुका है, तो दोस्तों आपको मेडिकल में बाहर नहीं किया जाएगा। ये दोस्तों रियल बात है जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों इससे ज़्यादा अगर जानकारी आप चाहते हो तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मुलाकात करें और दोस्तों आपकी हर समस्या का इलाज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके बिल्कुल भी उंगली नहीं है, तो दोस्तों आप प्लीज़ इस चीज़ों में अपना समय वेस्ट ना करें। क्योंकि दोस्तों उंगली नहीं है तो आपको मेडिकल में फेल किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके यहाँ से आधी उंगली नहीं है तो आप और फील्ड में दोस्तों जाइए, आप अच्छे एथलीट बन सकते हैं, आप एक मजबूत खिलाड़ी बन सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अब दोस्तों हर आदमी आर्मी में जाके देश की सेवा करे ये ज़रूरी नहीं है। ईमानदारी से घर पे रह के भी आप देश की सेवा कर सकते हो। मेरे ख्याल से दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा, कुछ मोटिवेट भी किया होगा आपको। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें। जय हिंद।